हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एपीएन क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बनाई जा रही है जो कि क्लास 12th में। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जो उनका इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण प्रोस ऑफ फेलो ट्रेवलर, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सभी स्टूडेंट को बता दें जो क्लास 12 में है कि जितने भी उनके इम्पोर्टेंट पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया हम अपने चैनल पर बता चुके हैं, और साथ ही साथ जितने पिछले प्रोस हैं उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। और आपसे हम एक वादा किए थे कि आपका 10 फरवरी तक हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हम आपका 10 फरवरी तक पक्का करा देंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। और सबसे एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात बतानी है कि देखो, हम आपको कितना भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको क्या करना है, साथ साथ अब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं। आपको भी पता है सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे मार्क्स, देखो आप अंदर से अच्छे मार्क्स लाना भी चाहते हो और पढ़ भी नहीं रहे हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पढ़ाई तो जरूर करनी पड़ेगी। तो चलिए, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रोस के हम आपसे बात कर लेते हैं, और इसको एक बार आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो दो प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले कैसे पूछ सकता है, वॉट डिड द ऑथर से वेन द मॉस्किटो सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ हिज लैंड। एक तो इस तरीके से पूछ सकता है, नहीं तो और मैं कैसे पूछेगा, वाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर। राइटर ने क्यों पनिश, मतलब क्यों डिसाइड किया पनिश करने के लिए किसको, फेलो ट्रेवलर को। ये क्वेश्चन देखिए आपके 2018 और 11 दोनों में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर लिखोगे, द ऑथर सेड दैट द लिमिट ऑफ मैग्नेटिमिटी वॉज ओवर, ही वुड पनिश हिम बाई पुटिंग हिम टू डेथ। इसका क्या मतलब हुआ, लेखक ने कहा कि परिमाण की सीमा खत्म हो गई है, वह उसे मौत की सजा देगा। मतलब किसको मौत की सजा देगा, मॉस्किटो को मौत की सजा देगा। तो अब बात कर लेते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वॉट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन रेलवे कंपार्टमेंट। क्या क्या बेनिफिट है, मतलब क्या क्या एडवांटेज है रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले ट्रेवल करने का। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ऑथर ट्रेवलिंग अलोन इन कंपार्टमेंट अ पर्सन कुड टॉक इजली टू हिमसेल्फ, सिंग और डांस, प्ले मार्बल, ओपन और शट विंडोज, वॉक और लाई डाउन एट फुल लेंथ ऑन द कशन ऑफ रेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, एक डिब्बे में अकेले यात्रा करने वाले लेखक के अनुसार कोई व्यक्ति खुद से आसानी से बात कर सकता है, गा सकता है या नाच सकता है, पत्थर चला सकता है, खिड़कियां खोल सकता है, टहल सकता है, या आराम करने के लिए कुशन पर पूरी लंबाई में लेट सकता है। तो ये इसका पूरा मतलब हुआ। तो देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन ये है कि वो ऐसे पूछ सकता है, गिव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ ट्रेन मिस्टर एजी गार्डिनर ट्रेवल्ड बाई। जो आपके ट्रेन का पूरा ब्रीफ डिस्कशन देना है, तो क्या लिखोगे आप इसमें आंसर, द राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाय द पैसेंजर ट्रेन विच रन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, इट वॉज अ स्टॉपिंग ट्रेन। तो देखो, इस टाइप के आप आंसर लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब बात कर लेते हैं जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वॉट इज अकॉर्डिंग टू एजी गार्डिनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग अलोन इन कंपार्टमेंट। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू एजी गार्डिनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग अलोन इन कंपार्टमेंट इज रेड द पैसेंजर इज फ्री टू डू वॉट एवर ही लाइक्स विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। क्या इसका मतलब हुआ, एजी गार्डिनर के अनुसार एक डिब्बे में अकेले रहने के बारे में स्वतंत्रता की सुगत भावना यह है कि यात्री बिना किसी विरोध के उकसाने के लिए जो कुछ भी करना चाहता है वो करने के लिए स्वतंत्र है। तो देखिए, हम आपके ये पूरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार क्वेश्चन था इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा, ये चीज़ याद रखना। देखो, दो नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये पूरा इंग्लिश अच्छे से तैयार कर लो, और बाकी भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो, आज से हम आपको जो हिंदी के हमारे वीडियो हमारे चैनल पे कम जा रहे थे, तो आज से आपको हिंदी की वीडियो मिलेंगी, रस और अलंकार के वीडियो भी आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे हम लोग। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।